और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे इस खबर को इंडिया न्यूज के माध्यम से। बड़ी खबर इस समय की, अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, रेलवे की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर भारत बंद का मैसेज वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि रेलवे की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भारत बंद का मैसेज जो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद भी रहेगी। तो भारत बंद को देखते हुए हाई अलर्ट पर RPF और GRP, तो अब अलर्ट है पुलिस प्रशासन और जगह जगह पुलिस को तैनात भी किया गया है। रेलवे की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भारत बंद का मैसेज वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब से इस योजना की घोषणा की है, तब से ही युवा जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जगह जगह आगजनी की घटना को भी अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार रेलवे में भी कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शन देखने को मिला है युवाओं का। वहीं कुछ ट्रेनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, ट्रेनों में भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अब रेलवे प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और जगह जगह पुलिस को भी मुस्तैद कर दिया गया है। वहीं अब जो है जिस तरीके से उग्र देखने को मिल रहा है ये प्रदर्शन, उसी को लेकर अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान अब किया जा रहा है। इस तरीके से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं युवा, जिसके बाद GRP भी अब तैनात कर दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी भारत बंद का मैसेज जो है वायरल हो रहा है। उसके बाद अब पुलिस जाब्ता जो सख्त नजर आ रहा है और जगह जगह तैनाती भी कर दी गई है पुलिस की। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान अब देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुलिसकर्मी भी मुस्तैद हैं। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे जानना चाहेंगे। जी पंकज, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम जो युवा है वो सड़क पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब भारत बंद का भी ऐलान आह्वान किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या जानकारी है पंकज आपके पास? आपको बताना चाहूंगा कि देश के तीनों सैन्य बलों द्वारा अग्निपथ योजना मामले में काफी विरोध होने के बावजूद भी ये साफ कर दिया है कि अब ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। और उसके बाद वायुसेना ने ये भी साफ किया है कि इसमें एक साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी, भत्ता जैसे तमाम चीजें सुविधाएं इनमें शामिल होंगी। वहीं इस चीज को लेकर काफी विरोध हो रहे पूरे देश में, जिसको लेकर कि कई ट्रेनें फूकी गई थी और उसके बाद कई जगह पथराव किए गए थे, कई प्रदेश में आगजनी हुई थी। इसको लेकर बिहार में सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से बिहार में आज स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। वहीं पर झारखंड में भी ये ऐलान कर ये सोशल मीडिया पे वायरल होने की वजह से झारखंड में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है कि इस तरह से कृत्य ना हो सके। सबसे ज्यादा नुकसान बिहार और झारखंड में किया गया था उपद्रवियों द्वारा। वहीं पर यह भी साफ कर दिया गया है सैन्य बलों द्वारा कि अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है जो उपद्रवी होता उसको सैन्य में भर्ती नहीं मिलेगी। केरल में भी ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से वो प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 18 तारीख और 20 तारीख को पहले से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसको लेकर GRP ने पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे उत्तर प्रदेश के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं पर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, आज 20 तारीख है और 20 तारीख के दिन भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियां एक्टिव है, जिसकी वजह से कोई भी घटना
जिस तरह से उग्र प्रदर्शन कर रहे अग्निपथ योजना को मामले को लेकर उस तरह से उग्र प्रदर्शन ना कर सके। हालांकि भारत बंदी का ऐलान किया गया, इसका असर काफी प्रदेशों में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में इस तरह से इसका भारत बंदी का प्रभाव भी ठीक से नहीं है, नहीं देखा जा रहा है। लेकिन पंकज जो लगातार मैसेज जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? और जगह जगह अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो इसको लेकर के क्या जानकारी है? किस तरीके से पुलिस प्रशासन सतर्क होती हुई नजर आ रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 18 और 20 तारीख को पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसलिए जो भी मुख्य रेलवे स्टेशन है या जो मुख्य मार्ग है सभी पर पुलिस और भारी पुलिस बल और उसका जीआरपी तैनात कर दिया गया। इसको लेकर उनके तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था जीआरपी की तरफ से, जितने लोगों को भी छुट्टी दी गई सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से वापिस बुला लिया गया था। इसको लेकर टकाचौंध है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है कि इस तरह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो सके और उपद्रवियों पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये साफ कर दिया है कि उपद्रवी जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं उसको सेना में अब भर्ती नहीं मिलेगी, जिनके नाम से भी मुकदमे होंगे या फैयार होंगे उनको भर्ती नहीं दी जाएगी, ये भी साफ कर दिया है। पंकज आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अब आकाश जुड़ चुके हैं वाराणसी से, आकाश से जाना चाहेंगे। आकाश, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं, लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है युवाओं का, और अब भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, और एक मैसेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, क्या कुछ जानकारी है आपसे जाना चाहेंगे? देखिए, इसे भारत बंद नहीं कहा जाएगा, इसे कथित तौर पे भारत बंद कहा जाएगा, क्योंकि ये जो सेना के जो जवान है जो भर्ती के देखने वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये लेटर वायरल किया है। ये लेटर बताया जा रहा है कि बिहार से वायरल हुआ है, तो बिहार की इस लेटर को देखते हुए यूपी, पंजाब, हरियाणा तमाम जो जिले हैं भारत, जहां पे बनारस की बात करूं तो बनारस में भी पुलिस अलर्ट कर दिया गया। आपको बता दूं कि देर रात से ही कैंट रेलवे स्टेशन पे जाने वाले तमाम जो ऑटो है, ई रिक्शा है, जो बसें हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि इन छोटे वाहनों में छात्र भर कर रोडवेज पे ना पहुंचे, कैंडी स्टेशन पे ना पहुंचे, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से शुक्रवार को हिंसा हुआ बनारस में, दर्जनों बसों को तोड़ दिया गया, आग लगा दिया गया, उसको देखते हुए बनारस पुलिस अलर्ट पे है। आपको बता दें कि बनारस के अलावा जो सिटी स्टेशन है, काशी स्टेशन है, बनारस स्टेशन है, कैंट रोडवेज बस है, कैंट स्टेशन है, इन जगहों पे फोर्स बढ़ा दी गई है। उसके साथ ही खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। अब बनारस की तीसरी आग कहे जाने वाले सिगरा पे इसे नजर रखा जा रहा है कि जो बनारस क्षेत्र चारों बगल जो कैमरे लगे हैं, यदि झुंड में छात्र बाहर जाते हैं तो तुरंत उनको हिरासत में लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से शुक्रवार को हिंसा हुआ था बनारस में, बवाल हुआ था, तो उसमें 27 लोग को अब तक जेल भेज दिया गया है, 57 लोग को चिन्हित किया गया है, आगे की कार्रवाई भी जारी है। लगातार पुलिस अपने तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी तरीके से फिर से बनारस का माहौल कोई खराब ना कर सके उसको लेकर लगातार अधिकारियों की बैठक हो रही है और अधिकारी लगातार ग्राउंड में है। अब तक जो जानकारी आ रही है, जो रूट डाइवर्जन है कैंट रोडवेज स्टेशन के पास जाने के लिए, तो रूट डाइवर्ट किया गया है यातायात पुलिस की तरफ से, तो तमाम तरीके से जो आकाश जी, जो ये भी खबरें सामने आ रही है कि अब जो है इंटरनेट सेवा जो है उसको भी बंद करने की बात सामने आ रही है कि अब जो है कुछ जगहों पर इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाएगी। देखिए, जो जानकारी मिल रहा है, यदि किसी जो खुफिया विभाग के द्वारा जो इनपुट दिया जा रहा है लोकल प्रशासन को, प्रशासन उस जगहों को उस जगह पे नेट बंद कर देगा, स्लो कर देगा, और उसके साथ ही साइबर सेल एक्टिव है कि किसी तरीके से भ्रामक अफवाह ना हो। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, इन सभी ग्रुपों पे लगातार साइबर सेल की निगाह है किसी तरीके से। आकाश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।